सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या अपराधियों को टिकट देने की जब जरूरत होगी तो क्या उसे देने की जो तरीके, क्या अगर दिया जाता है तो उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है क्या उसे रोक दिया जाए, क्या चुनाव चिन्ह को छीन लिया जाए। इस पर भारत सरकार की ओर से दलील दिया गया है कि संसद ऐसा कानून अगर बनाती है तो ठीक है, साथ ही साथ नोटा को लेकर देश में बहस चल रहा है, तो ये झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए प्रश्न है और इस प्रश्न पर हम बात करेंगे। आज सबसे पहले कि क्या नोटा का अधिकार जो है राज्यसभा के चुनाव में भी होना चाहिए, और साथ ही साथ कि क्या अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी अपराधी को टिकट देता है तो क्या उस राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह को जब्त कर लेना चाहिए या फिर उसे लागू होने देना चाहिए। इस संबंध में हम आपको जानकारी दे दें कि चुनाव आयोग ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि अगर अपराधी चुनाव लड़ते हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, और कोई पार्टी अगर अपराधियों को टिकट देती है तो ऐसे में उस पार्टी का चुनाव चिन्ह को जब्त कर लेना चाहिए। आप इसका आंसर लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हालांकि 2014 में जो चुनाव हुआ उस समय से नोटा का प्रयोग शुरू हो गया और नोटा एक नया ब्लॉग लाया गया जिसमें ईवीएम मशीन में अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप उसमें अपना बटन दबा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी क्षेत्र के ज्यादा मतदाता अगर नोटा का प्रयोग करते हैं तो उसके वोट की वैल्यू क्या रह जाएगी, क्या वहाँ फिर से चुनाव होगा तो क्या उसमें नुकसान जनता का नहीं है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि किसी क्षेत्र में अगर चुनाव में नोटा का ज्यादा प्रतिशत लोग बटन दबा देते हैं तो उस सारे कैंडिडेट को अगले चुनाव में खड़ा होने पर रोक लगा देना चाहिए, नए कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। दूसरा कि नोटा के आने से लोगों का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को और स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका मिलेगा कि अगर किसी क्षेत्र के कोई कैंडिडेट काम नहीं करते हैं लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में तो अगले चुनाव में उनको ऐसा डर होगा कि उन्हें नोटा के तहत में जाया जा सकता है। आमतौर पर अभी तक ऐसी प्रावधान नहीं है कि नोटा में कितना प्रतिशत वोट होगा तो वो रिजेक्ट माना जाएगा, इसलिए जो भी वोट नोटा में जाता है ये जरूर है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोटिंग हुआ है, लेकिन मतदान क्षेत्र में मान लीजिए किसी क्षेत्र में 10,000 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है तो वो वोट ही इनवैलिड के जैसा है, मतलब कि वो किसी के ऊपर नहीं गया तो उतने वोटर कम हो गए उस क्षेत्र में, और ये विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अब कम वोट ला करके भी ज़्यादा सीट जीत सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटा का प्रयोग सही नहीं है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में इंटेलेक्चुअल लोगों को भेजा जाता है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि हमारे द्वारा जो चुना गया लोग है वो चुनता है, जैसे हम लोग एमएलए का चुनाव करते हैं और एमएलए की वोटिंग से राज्यसभा का चुनाव होता है, तो हमारे द्वारा चुने गए लोग किसी को चुन रहे हैं तो वो निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल को चुनते होंगे, इसलिए राज्यसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि अगर हम स्वयं अगर एमएलए का चुनाव अच्छा करें और बुद्धिमान लोगों को करें तो निश्चित रूप से वो वहाँ पर अच्छा चुनाव करेंगे, यानी कि सुधार जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पब्लिक की ओर से होना चाहिए। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग बीपीएससी और आईएएस के लिए जो क्वेश्चंस आने वाले हैं और करेंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होगा उस पर हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण अगर आपको पसंद आएगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। नमस्कार।